नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिडैप 10 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एलिडैप 10 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एलिडैप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एलिडैप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एलिडैप एक ब्रांड नेम है। एलिडैप टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन डैपाग्लिफ्लोजिन 10 mg होता है। एलिडैप टैबलेट का उपयोग हार्ट फेलियर के इलाज में और टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। एलिडैप टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। इसके अलावा किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को भी डॉक्टर एलिडैप टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। एलिडैप टैबलेट किडनी की बीमारी को ज्यादा गंभीर होने से रोकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एलिडैप टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एलिडैप टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जुकाम होना, कमर में दर्द होना, पेशाब अधिक आना, उल्टी आने का मन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, गले या फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, कब्ज होना और शरीर के जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होना आदि साइड इफेक्ट्स एलिडैप टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा एलिडैप टैबलेट की वजह से महिलाओं व पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। एलिडैप टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलिडैप टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एलिडैप टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। एलिडैप टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ब्लड शुगर को नियंत्रण में करने के लिए शुरुआत में एलिडैप 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं, और बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर डोज को बढ़ाकर एलिडैप 10 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं। हार्ट फेलियर और किडनी की बीमारी के इलाज में डॉक्टर एलिडैप 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। एलिडैप टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एलिडैप टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलिडैप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जिन व्यक्तियों का डायलिसिस का इलाज चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एलिडैप टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं होता है। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एलिडैप टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर
डायबिटिक कोमा होने पर और डायबिटिक कीटोसिस होने पर एलिडेप टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको एलिडेप टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, और आपको एलिडेप टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एलिडेप टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एलिडेप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।